नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जेवी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की वीडियो बताने वाला है कि झारखंड में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हुए हैं और कितने झारखंड में जो भी छोटी बड़ी खबर मिलती है आप तक पहुंचाने के मैं पूरी पूरी कोशिश करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्या ताज़ा खबर आ रही है झारखंड की तरफ से। दोस्तों, पहले बता दें, देश में हमारे कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है। देश में 67,000 कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ चुकी है दोस्तों। करीबन 68,000 पहुंचने वाली है कोरोना वायरस की संख्या, जो कि हमारे देश के लिए है। वही बात करेंगे झारखंड की, जो झारखंड में दोस्तों कोरोना वायरस की कुल संख्या 162 हो चुकी है, जो कि दोस्तों कल के आंकड़े के माने तो कल कोरोना वायरस का जो संक्रमण था 160 पे लटका हुआ दोस्तों। क्योंकि आज सोमवार को दोस्तों 11 मई को कोरोना वायरस के दो नए और मरीज मिले, जो कि एक हिंदी पीढ़ी और गिरिडीह से मिले हैं। एक एक मरीज दोस्तों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 162 हो चुकी है दोस्तों, जो कि दोस्तों हिंदी पीढ़ी से दो मामले सामने आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या क्या और खबरें आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे वही दोस्तों पीएम मोदी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस साथ सभी मुख्यमंत्रियों साथ लॉकडाउन के बारे में सुझाव मांगने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उसमें दोस्तों हेमंत सोरेन ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी उसके लिए सहयोग करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और साथ में दोस्तों ये भी कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों के लिए 50% तक यानी 50% तक के लिए मनरेगा काम के लिए और अदरवाइज सभी लोगों के लिए बात रखी गई है, जिसमें कि गतिविधियों को लॉकडाउन के दौरान रखा जा सके। सोरेन ने कहा कि सभी श्रमिकों के लिए 50% तक के लिए छूट दिया जाए, ताकि वो अपने मनरेगा के अंदर काम कर सके लॉकडाउन के दौरान। और लॉकडाउन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साथ समर्थन दिए हेमंत सरकार ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट खबर क्या आती है वो भी देख लेते हैं। वही तो बड़ी अपडेट क्या आ रही है कि झारखंड में सभी राज्यों में और सभी जगह ये दोस्तों एक नया कानून लागू हो चुका है झारखंड की तरफ से। रांची में लॉकडाउन के दौरान और सख्ती बरती जाएगी, जिसमें कि मास्क करने पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, जिसके लिए आपको इस कार्रवाई के अंतर्गत आपको मास्क लगा खर्च करना पड़ेगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको कार्रवाई का निर्देशन किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया जाता है और आपको कोई भी धारा लगा दी जा सकती है, जो कि बहुत बड़ी ही बात कही गई है झारखंड सरकार की तरफ से। दोस्तों, आज चलेंगी ट्रेनें, जो कि 3 ऐसी ट्रेनें चलेंगी और टिकट कल से ही बुकिंग चालू हो चुका है, जो कि जबकि दोस्तों झारखंड में 4,000 टिकट बुक हो चुके हैं झारखंड के श्रमिकों के लिए, जो कि दिल्ली से रांची आने वाली ट्रेनें में आएंगे। और दोस्तों बता दें, 51 दिन बाद भी ट्रेनें बहाल, दिल्ली से रांची सहित 15 शहरों के लिए चलेंगी, जो सभी राजधानी एक्स होंगी, सिर्फ यात्री ही स्टेशन आ सकेंगे, बाकी लोगों के लिए आ जाना नाम के जो यात्री ऑनलाइन IRCT के अंतर्गत टिकट बुक कराते हैं उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा और बाकी लोगों को कोई टिकट नहीं है। सभी टिकट लेकर के अपना टिकट लेकर के स्टेशन पहुंचेंगे और वहीं से उनकी जांच होगी, जांच होने के बाद ही उन्हें गाड़ी में बैठा करके रवाना किया जाएगा। दोस्तों, वहीं आ रही है दोस्तों एक बड़ी अपडेट, जो कि यहाँ पे लेकर के आ रही है मौसम विभाग से खबर, यानी कि मौसम विभाग ने बताया कि जैसे कल आंधी तूफान आया था, ठीक उसी प्रकार 5 दिन तक आंधी तूफान आने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आंधी और पानी से बदला मौसम, 5 दिन तक आंधी और पानी की छाया रहेंगे, बादल और दोस्तों बड़ी कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले और ओलावृष्टि, जब वज्रपात। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दें, सावधानी बरतिएगा, आंधी पानी के वक्त अपने घर में रहिएगा और सचेत रहिएगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है मौसम विभाग से, ताकि 5 दिन तक भी आंधी पानी और तूफान आने की संभावना नजर आ रही है। वहीं तो झारखंड बिहार के फंसे मजदूरों को उड़ीसा और यूपी बॉर्डर से जबरन भेजा जा रहा है। दोस्तों बता दें कि बॉर्डर पर कहीं जाँच नहीं बचते आ रहे हैं मजदूर, झारखंड पुलिस के जवानों ने भी साइकिल से जाने की दी छूट। दोस्तों बड़ी अपडेट है झारखंड के लिए, जबकि जो मजदूर हैं जिनके के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है, वो झारखंड से साइकिल से कोई पैदल किसी तरह से अपने शहर अपने राज्य में आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट खबर बात कर लेते हैं। वही तो बड़ी खबर है झारखंड तरफ से, देने की राज्य में शराब दुकान खोलने की बात कही गई है। ऑनलाइन बिक्री के लिए भी मंथन किया जा रहा है शराब दुकानों को लेकर कि ऑनलाइन कैसे शराब की बिक्री की जाए। और वही तो बता दूं कि यहाँ बड़ी एक अपडेट है, जो कि राज्य के शराब दुकानों को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं कि पहली यह कि शराब की बिक्री फिलहाल ऑनलाइन की जाए, दूसरी यह कि पूर्व भारतीय दुकानों को खोला जाए। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, जो कि अभी से मंथन रहा, जैसे कोई अपडेट आते हैं इसको लेकर के मैं आप लोगों को बता दूंगा। वह तो बड़ी अपडेट लेकर के आ रही है कि यहाँ
यहाँ पे दोस्तों कि जितने ही अप्रैल में 2000 दिए थे उसमें मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहाँ के मजदूरों को आगे क्षेत्रों में बात काम करने की सुविधा दी जाएगी। वह दोस्तों बता दें कि स्कूलों में बांटी गई है किताबें, जो कि 5वीं तक की किताबें बांट दी गई हैं बच्चों को, अभिभावकों को दिया गया है। जिन्हें नहीं मिला है वो सरकारी स्कूल से जा करके अपने बच्चों को किताबें ले सकेंगे। वह दोस्तों अगली अपडेट करके आ रही है कि यहाँ पे आज से हर दिन दूरदर्शन पर लगेंगी सरकारी स्कूल के बच्चों के क्लास। पहले सप्ताह तक शेड्यूल जारी कर दिया गया, तो 65 तक शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसमें से 10 से 12 व 1 से 2 बजे तक पढ़ाई बच्चे आज पढ़ सकते हैं। मीना की कहानी और जीवन कौशल के बारे में, जो छठी से 10वीं तक के बच्चे के लिए खुद स्कूल में ले सकेंगे किताब, और कक्षा 1 में नामांकन के बाद भी की जाएगी किताबें। जो तो बड़ी अपडेट है जाकर के स्कूलों को लेकर के, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।